Flag, bitch. अरे वाह यार, इस बार तो फसल काफी जोरदार है। चलो आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, खेतों में पानी छोड़ देता हूँ, फसलों को सही से पानी मिल जाएगा तो फसल और खूबसूरत लगेंगे। अरे ये क्या, किसका कॉल आ रहा है? कौन मेरे काम के टाइम डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को? चलो चलकर देखता हूँ, ना जाने कौन होगा। अरे ये तो रिया फोन कर रही है, ना जाने ये क्यों फोन कर रही है। हेलो आरिया बोल। हेलो दिलीप, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? सॉरी रिया, पर मुझे भी खेत में पानी डालना है यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, फिर कभी पक्का। नहीं मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अभी आना होगा, बस अभी आ रहे हो तुम, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छा ठीक है यार रिया, गुस्सा मत करो, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं यार कैसी बावली लड़की है, काम धाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। अगर मैं चला जाऊंगा तो इन खेत में पानी कौन डालेगा? चलो कोई नहीं, जल्दी वापस आके डाल लूंगा, नहीं जाऊंगा तो ज्यादा गुस्सा करेगी। क्या बोला रिया, तेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तो चल अपन चलते हैं यार, क्यों वेट करें उसका बैठ के? नहीं यार सुरेन, बस वो आ ही रहा होगा, थोड़ा और वेट कर ले, आज की पार्टी उससे ले लेंगे, ठीक है ना? हाँ यार रिया, तब तो ठीक है। पता नहीं रोज रोज पार्टी का कैसे मन बन जाता है इस लड़की का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे हाँ वो रहे, वो खड़ी है वो। हाय रिया, मैं आ गया, अब चलो कहाँ चलना है? अरे यार दिलीप, ये क्या कपड़े पहन के आ गए हो तुम? दूसरे कपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास? कितने गंदे हो गए हैं ये कपड़े, और कितने गंदे भी दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूँ यार रिया, तुम्ही को तो जल्दबाजी हो गई थी, जल्दी आओ सो मैं आ गया। मैं तुम्हारे लिए काम छोड़ के आया हूँ और तुम छी छा कर रहे हो यार, चलो ना खाना खाने तो जाना है, चलो चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है कपड़ों से? नहीं यार दिलीप, वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड भी आ रहे हैं और तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओगे तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। नहीं यार, सबके बीच में मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, तुम जाओ अपना खेत का काम करो, हम अकेले ही चले जाएंगे, बाय। अरे यार जब इस बावली को जाना ही नहीं था तो बुलाया ही क्यों, मस्त खेत का काम खत्म हो जाता। ये भी ना एकदम पागल है, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, खाना खाने जा रहा है, खाना खाए पेट भरा वापस, और क्या कपड़े देखती है, ये भी ना यार। चलो यार आज तो खेत में बहुत काम है, आज डट के काम करूंगा, मजा आएगा। अरे ओ दिलीप क्या कर रहे हो? देख नहीं रही है क्या पगली, खेत में काम कर रहा हूँ फिर भी पूछ रही है क्या कर रहा हूँ, बता कैसे आना हुआ? यार दिलीप आज मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी तो सोचा कि तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलूं। अरे ओ पगली, नींद में तो ना है, देख नहीं रही खेत का काम कर रहा हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जाने वाला, तुझे जाना है तू जा। यार दिलीप तुम कभी तो इन खेतों से बाहर निकलो, थोड़ा तो टाइम निकालो यार मेरे लिए, जब देखो तब खेत में काम करते रहते हो। हाँ चल ठीक है, उदास मत हो, तुझे बाहर घूमने जाना है ना, चल ठीक है, वैसे भी मैं खत्तू निकालने जाने वाला था, चल तुझे भी अपने साथ ले चलता हूँ, एक धासू गाड़ी है मेरे पास, चल आ जा। हाँ ये हुई ना बात, चलो मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ चल आ जा, अभी ले चलता हूँ तुझे, एक धासू गाड़ी है मेरे पास, वो देख सामने खड़ी है मेरा धासू गाड़ी, इस पे घूमेगी ना तो जिंदगी के मजे आ जाएंगे तुझे। अरे यार दिलीप ये क्या मजाक है, ये तो कोई खटारा ट्रैक्टर है। अरे तो तुझे क्या लगा मैं तुझे का BMW घुमाने जाऊंगा? भाई मेरे पास तो यही है, तुझे चलना है तो चल। यार दिलीप मेरी भी कोई स्टैंडर्ड है यार, ट्रैक्टर में थोड़ी ना घूमूंगी, इंसल्ट हो जाएगा यार मेरा। यार रिया ट्रैक्टर में घूमने में इज्जत कब से कम होने लगी यार, मुझे तो मजा आवे है, अपने गाँव में मैं तो ट्रैक्टर खूब चलाऊं, तुझे चलना है तो चल यार, नहीं तो मुझे वैसे भी खाद निकालने जाना है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। हाँ ठीक है यार दिलीप तुम अकेले ही चले जाओ, मैं थक गई हूँ यार तुमसे, तुम कहीं पर भी कुछ भी पहन लेते हो, कुछ भी बोल देते हो, कैसे भी रह लेते हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है यार, मैं और नहीं जी सकती अब तुमको, मुझे तुम्हारे साथ रह के अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है, इसलिए आज से हम दोनों का ब्रेकअप, मैं जा रही हूँ यार दिलीप बाय। अरे पगली सुन तो,
इतनी सी बात पे कौन ब्रेकअप करता है? कहाँ जा रही है? कोई अमीर बॉयफ्रेंड बनाने जा रही हूँ, बाय। ठीक है यार रिया, तुझे जाना है तो बेशक चले जा, किसी और के लिए खुद को बदलने वालों में से नहीं हूँ मैं एक देसी आदमी हूँ और देसी पंथी में ही अपना स्वैग है। तुझे जाना है तो तू बेशक चली जा। यार कल जोश जोश में मैंने तो उसे मनाया तक नहीं, अब उसकी बहुत याद आ रही है यार। जो भी हो प्यार करता था मैं उससे, आखिर क्यों छोड़ के चले गए यार सिर्फ पैसों के लिए। सेट यार, क्यों याद कर रहा हूँ मैं उसको। खैर कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, जाने दो। अरे अब ये किसका कॉल आ रहा है पता नहीं। हेलो हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर दिलीप से हो रही है? अरे ओ पोपटचंद, दिलीप को फोन किया तो दिलीप से ही ना बात होगा कि आमिर खान से बात हो जाएगा तेरा। बोल क्या काम है तुझे? हमारे सर को आपकी जमीन बहुत पसंद है, वो आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं। आपको आपकी जमीन के बदले 10 करोड़ देंगे, साथ में हमारे कंपनी में नौकरी भी देंगे। क्या बोलते हो, क्या आप हमें अपनी जमीन बेचना चाहोगे? अबे ओ चाचा, होश में तो है ना, 10 करोड़ बोल रहा है तू? हाँ सर, मैं होश में ही हूँ, पूरे 10 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। आप बताइए, आप अपनी जमीन बेचना चाहेंगे कि नहीं? हाँ यार, मैं बिल्कुल बेचना चाहता हूँ। तू पैसे लेकर आ, जमीन के साथ घर भी रख ले। तो फिर ठीक है सर, हम आपके खाते में 10 करोड़ भेज दे रहे हैं, उसके बाद आप अपनी जमीन हमारे नाम कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, तुम पैसे भेज दो, मैं जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे वाह, मेरे तो घर बैठे ही लॉटरी लग गई, अब मजा आएगा, 10 करोड़ आएंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अरे वाह, ये हुई ना बात, अब तो जिंदगी के मजे ही आ गए यार। खुद का बड़ा सा घर, खुद के गाड़ी मोटर नौकर चाकर, वाह भाई वाह, क्या जिंदगी हो गई है मेरी। कुछ ही दिनों में मेरा होटल भी बनकर तैयार हो जाएगा, फिर तो जिंदगी के हर दिन मजे में गुजरेंगे। खुद का होटल, खुद की कमाई, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं, बहुत नाम कमाना है अभी मुझे। अरे वाह यार, क्या नज़ारा है यार। आजकल पैसे कौड़ी के लिए बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, पर मेरे पास एक बहुत जोरदार सा प्लान है। यही पास एक होटल खुलने वाली है, जिसके मालिक का घर मेरे घर के पास ही में है, तो मैं जाके उनसे बात करती हूँ। सुना है उस होटल का मालिक बहुत ज्यादा हैंडसम और जवान है, काम तो पक्का दे देगा, और अगर मुझसे सेट हो गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ अभी कभी चलती हूँ, मजा आएगा। अरे वाह क्या नजारा है। अरे सर जी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ आ जाओ। हाय मैडम, बोलिए क्या काम है आपको? सर मेरा नाम रिया है और मैं पोर्गेटरी से आई हूँ, मैंने सुना। एक मिनट, आपका नाम रिया है और आप पोर्गेटरी से आई हैं, है ना? हाँ सर। पोर्गेटरी में कहाँ रहती थी आप? पोर्गेटरी में मैं फील्ड्स में रहती थी सर। ओह तो अब समझा। खैर कुछ कह रही थी ना आप, क्यों आई हैं आप यहाँ? सर मैंने सुना है कि आप एक होटल खोलने वाले हैं, तो सर मुझे उस होटल में काम चाहिए था, बस मैं उसी काम के लिए आई हूँ। ओह ये सब तो ठीक है, पर तुम ही ना कहती थी कि मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो तुम मेरे होटल में काम कैसे करोगी? तुम्हारा इंसल्ट हो जाएगा ना। आपका मतलब मैं समझ नहीं पाई सर। तो अब समझ लो। अरे दिलीप तुम? हाँ मैं, क्यों जोरों का झटका लगा ना जोरों से? नहीं ये नहीं हो सकता, तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? रिया इसी को वक्त कहते हैं, कब किसका बदल जाए कोई नहीं कह सकता। किसी ने बहुत सही कहा है, वक्त सबका बदलता है। दिलीप पुरानी बातों को भूल जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक मौका दे दो प्लीज दिलीप। रिया जी माफ तो अब आप मुझे कर दीजिए और अपना रास्ता नापिए, चले जाइए यहाँ से, अब आपकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। दिलीप प्लीज यार एक मौका दे दो, प्लीज मुझे माफ कर दो दिलीप। एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या रिया तुमको? चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना इंसल्ट करके भगवा दूंगा। और हाँ ढूंढ लेना अपने लिए कोई मेरे से अमीर बॉयफ्रेंड, चलो भागो यहाँ से। हाँ ठीक है जा रही हूँ। इसे कहते हैं जैसे को तैसा, कल मुझे छोड़ कर गई थी ना, ले आज मैंने तुझे ठुकरा दिया, अब हुआ ना हिसाब बराबर। जा ढूंढ ले अपने लिए कोई मेरे से अमीर बॉयफ्रेंड।